आर्टिफिशियल लेग के अंदर ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अलाइनमेंट में बहुत सारे पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि वो एडी पे ही वेट रहता है, पूरे फुट पे वेट नहीं है। तो इनका आप देखेंगे पूरे फुट पे वेट है। और जो ये इनिशियल फ्लेक्शन एंगल दिया जाता है सॉकेट के अंदर, लेजर लाइन लाओ, इनिशियल फ्लेक्शन एंगल इसलिए है कि जो थॉमस टेस्ट किया था, जो फ्लेक्शन थोड़ा सा जो कॉन्ट्रेक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए साइड व्यू में। उसमें कई बार पेशेंट को लगता है कि मेरा ये यहाँ से मोटा है, उसको कम करने के लिए इसको कार्बन फाइबर फ्रेम में बनाना चाहिए। जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम डिसाइड करेंगे। एक बार चल के दिखाइए थोड़ा स्लो चलिए। हाँ ये तेज चलिए अब आप। अच्छा बैठो सर आप। उठने से ऊपर के पैर में एक बहुत जरूरी चीज है अलाइनमेंट, फिटिंग और अगर लचक आप देखेंगे, दोनों कंधों में से कोई भी कंधा आपको झुकता हुआ दिखता हो तो चैलेंज है। यही खासियत है हमारी कि लचक नहीं दिखेगी आपको। और इसका रोल क्या है टर्न टेबल का, एक बार बैठ के दिखाएंगे आप अंदर। ज्योमेट्री लॉक है इसके अंदर, थोड़ा पंजे पे वेट डाल के तब बैठेगा पेशेंट। और टर्न टेबल से दिखाइए आप क्या कर सकते हैं, ये जो अभी लगवाया आपने, हाँ टिल्ट करने के लिए, इससे आप ऐसे बैठ सकते हैं। ये टर्न टेबल आपको हेल्प करता है क्रॉस लेग सिटिंग के लिए, कार के अंदर बैठने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने के लिए या नीचे बैठने के लिए। एक बार दिखाएंगे सर बैठ के नीचे, प्लीज़ आपको मैं कष्ट दे रहा हूँ लेकिन पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो पेशेंट बहुत सब लोगों को जानना होता है कि नीचे कैसे बैठ सकते हैं। नीचे क्रॉस लेग सिटिंग नीचे, जिसको हम आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं, इस तरीके से कम्प्लीटली आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं को किसी तरीके की प्रॉब्लम लगती है सर ऐसे बैठने में? नहीं, खड़े हुए सर एक बार। तो ये सिंगल, जैसे ही आप इसे सीधा करेंगे ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और टर्न टेबल बहुत तरीके की आती है, इस टर्न टेबल की कॉस्ट लगभग 20,000 है, पूरे पैर की कॉस्ट लगभग 3 लाख के करीब है, सॉरी ज़्यादा होगी, 3 से 3.5-4 लाख के करीब होगी। एक बार आप दोबारा आइए सर, सीढ़ियों से उतर पाते हैं, ऐसे उतरते हैं दिखाएंगे। फोन को बुलाओ उनको, एयर वॉकर दिखाओ। आप देखेंगे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा उतरना पड़ता है क्योंकि ये SNS कंट्रोल नहीं है, स्टॉन्च एंड फेस कंट्रोल नहीं है। अगर आपको उतरना है तो सिंगल CD यूज करते हैं, आपको उतरना पड़ेगा। बट प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे कई बार ये एक के बाद एक भी कर सकते हैं। पेशेंट इज रियली हैप्पी, द बेस्ट पार्ट इज बेस्ट अलाइनमेंट, बेस्ट फिटिंग और कोई भी लचक नहीं है। आइए सर आप इधर आइए, लेजर लगा लो, यहीं पे खड़े हो जाइए, पीछे करिए इसको, दोनों पैर, ये पैर अंदर करिए थोड़ा, हाँ थोड़ा अंदर करो, रखो अंदर और थोड़ा सा और बस। अब आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी के लिए अगर आप ऊपर से प्लम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मिड नी से और ऊपर निप्पल लेवल से आएगा, ये बेस्ट पार्ट है अलाइनमेंट का, स्टैटिक। साइड में घूमिए सर आप इधर, तो थोड़ा सा और आगे आइए। यहाँ पे स्टेबिलिटी को कितना मेंटेन करना है, पॉलीसेंट्रिक नहीं, दोनों पैर को आप एक समान रखिए, आगे पीछे नहीं। हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्लम लाइन या लेजर लाइन इनके एक्सिस से मैच करती है, GT से जाते हुए, और नी को हमने उतना स्टेबल रखा है जितने में ये फ्रीली मुड़ जाए, इनको ज़्यादा पंजे पे वेट ना डालना पड़े। ये हमारा लेजर लाइन है, चलिए सर तभी इतना स्मूथ चल पा रहे हैं कि इनको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता नी बेंड करने के लिए।
थोड़ा तेज चल के दिखाएं जरा। और एक बार तेज चले, ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप दिए हुए नंबर पर फोन करें। आइए सर, वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने टाइम दिया पेशेंट को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।